कोरोना वायरस के मामले भारत में नवंबर में पीक पर होने की रिपोर्ट्स को भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ICMR ने खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जब मामले पीक पर होंगे तब भारत में ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है। ICMR ने ट्वीट कर बताया कि यह रिपोर्ट भ्रामक है, यह ICMR द्वारा नहीं की गई है, साथ ही यह हमारी ऑफिशियल पोजीशन को भी नहीं दर्शाती। न्यूज एजेंसी PTI द्वारा जारी की गई खबर में दावा किया गया था कि 8 सप्ताह के लॉकडाउन की वजह से महामारी का चरम स्तर 34 से 76 दिनों के लिए टल गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यदि लॉकडाउन और जन स्वास्थ्य उपायों को नहीं किया जाता तो हालात और खराब हो जाते। अगर हम इस स्टेज पे थे 30 अप्रैल को और अभी भी हम अर्ली स्टेज में हैं, तो हमारी पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टेबल है। इसका मतलब कि ये वायरस जो देश में है मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको हमने कंटेन किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये ससेप्टेबल पॉपुलेशन होने की वजह से ये ससेप्टेबल लोगों को हम सबको पकड़ेगा। तो दूसरा पहलू इसे उजागर ये होता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं कलेक्टिवली, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क पहनने की बात है, बुज़ुर्गों को बचाने की बात है, हाइजीन की बात है, और जो बीमार होते हैं उनकी अर्ली केयर सीकिंग और अप्रोप्रिएट एंड क्विक मैनेजमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट और टाइमली टेस्टिंग होना, वो सब जो है उसका जो हमारा एफर्ट है वो कम होना तो एक बात है, उसको हमें बहुत गुना तक ऊपर लेके जाना होगा, क्योंकि आगे ये लड़ाई अभी चलेगी, महीनों तक चलेगी जैसे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक इसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं बहुत हद तक, हैं प्रॉब्लम्स हैं कुछ एरियाज़ में जहाँ पे कि वायरस का स्प्रेड ज़्यादा हुआ, वो जोन्स हैं आप सब जानते हैं और उसको फेस किया जा रहा है। लेकिन हम सबके लिए एक मैसेज है इस स्टडी में, इस अध्ययन में, वो ये है कि अब लो हैं, बचे हुए हैं, हम सप्रेस करके दिखा चुके हैं, लेकिन आगे ये वायरस आ सकता है, हम ससेप्टेबल हैं, इसलिए हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए वो स्टेप लेते रहना है जिनका कि बार बार जिक्र आप सबने भी आगे बढ़ाया है और इस मंच से भी आप सुनते गए हैं। और उस उपलक्ष में एक जिम्मेवारी सरकार की तरफ और आ जाती है, और वो है कि जो हमारे एफर्ट्स एट कंटेनमेंट है, जो एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटी जो लॉन्च करी जाती है, डिजीज़ कंट्रोल के जो एफर्ट किए जाते हैं, और इसी तरह से जो हेल्थ सिस्टम को सशक्त करके तैयारी करते हैं कि देखभाल की जा सके अगर ज़रूरत पड़ती है अस्पताल में, तो हमें उसको भी और भी सशक्त करना है।